हाय एवरीवन, एग्जांपल 19 देखिए। इसमें हमें ज्ञात गिवन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल वेयर एफ इज गिवन बाय एफ एफ एक्स। हमें गिवन है यहाँ पर 2x+3 डिवाइड बाय x-2। इसका हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके, तो देखिए पहले हम फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमें यहाँ पर एफ एक्स इक्वल गिवन है 2x+3 डिवाइड बाई x-2। यहाँ पर हमारा देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल का हमारा फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल का ये है, लिमिट मान लिया कोई फंक्शन एफ एक्स है और एफ एक्स का हमें डेरिवेटिव करना है, तो हम इसे डैश से डिनोट करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट h→0 एफ x+h-f(x) डिवाइड बाई h। ओके, हमारे पास यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, लेकिन एफ एक्स प्लस एच भी है इसमें, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालेंगे हम। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू देखिए, जहाँ पर इस फंक्शन में हमारे पास x है वहाँ पर हम x+h रख देंगे, जैसे 2x+h+3। ओके, डिवाइड में यहाँ पर एच है तो यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर x+h-2 रख देंगे। ओके, तो ये हमने रख दिया है। अभी हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो लिमिट h→0। ओके, और एफ एक्स प्लस एच किस गए ये वैल्यू 2x+h+3, और डिवाइड में हमारे पास क्या है x+h-2, और माइनस में फिर क्या है एफ एक्स। एफ एक्स की क्या वैल्यू है, ये 2x+3 डिवाइड में x-2। ओके, और इसके डिवाइड में हमारे पास क्या है, डिवाइड में हमारे पास है h। ओके, तो डिवाइड में हमारे पास है ये h। अभी हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इनके साथ होगी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इनके साथ होगी। ओके, तो लिमिट h→0। ओके, देखिए यहाँ पर ये 2 है, 2 की मल्टीप्लाई मैं अंदर कर लेता हूँ तो क्या होगा, ये 2x+2h। ओके, और प्लस में है 3। ओके, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये इनटू में आ जाएगा x-2, और यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो -2x+3 इनके साथ मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा x+h-2। ओके, डिवाइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी x+h-2 x-2। ओके, और ये एच है, एच के डिवाइड में कुछ नहीं, तो एच के डिवाइड में 1 है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/h। ओके, इनटू में, ठीक है। अभी हम इन सब की ऊपर जो भी मल्टीप्लाई में उन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो लिमिट h→0, देखिए यहाँ पर 2x है, 2x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x2। 2x की मल्टीप्लाई 2 के साथ -2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा -4x। ओके, फिर इस 2h की मल्टीप्लाई x के साथ करें तो कितना हो जाएगा 2xh, और फिर 2h की मल्टीप्लाई -2h के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा -4h। ओके, अभी 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x, 3 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो 6। ओके, फिर माइनस है तो माइनस बाहर रखेंगे हम। ओके, अंदर देखिए 2x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x² और 2x की मल्टीप्लाई h से करेंगे तो 2xh, और फिर 2x की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -4x, और फिर 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो +3x, और फिर 3 की मल्टीप्लाई h के साथ करेंगे तो 3h, फिर 3 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे
तो कितना आ जाएगा -6। ओके, डिवाइड में हमारे पास, डिवाइड में जो है वो लिख देते हैं एच, एच ही है, एच को मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर हमारे पास है एक्स प्लस एच -2 और है एक्स -2। ओके, यही है। अभी ये माइनस साइन है, ये माइनस इन पूरे के साथ आगे है, तो इसको माइनस को अंदर ले जाते हैं हम। ओके, तो लिमिट एच टेन टू 0, 2x² -4x प्लस 2xh -4h प्लस 3x -6। ओके, ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये सारी टर्म ये माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। ये हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा -2xh। ओके, और ये हो जाएगा प्लस का 4x और ये हो जाएगा माइनस का 3x और ये हो जाएगा माइनस का 3h और ये हो जाएगा प्लस का 6। ओके, डिवाइड में हमारे पास जो चल रहा है वो ही रहेगा, एक्स प्लस एच -2 इंटू एक्स -2। ओके, देखिए ये 2x² है प्लस का और ये 2x² है माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास 4x है माइनस का, ये 4x है प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास 2xh है प्लस का, ये हमारे पास है यहाँ पर माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अभी देखिए और क्या, ये 3x प्लस का है और ये 3x माइनस का है, ये भी कैंसिल हो रहा है। ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 है, तो ये भी कैंसिल हो रहा है। ओके, तो हमारे पास बच क्या रहा है, -4h और -3h। ओके, तो देखिए लिमिट h टेन टू 0, ये -4h और -3h कितना हो गया, -7h, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, h x प्लस एच -2 और इंटू में है x -2। ओके, ये h है, ये h कैंसिल हो जाएगा। अभी हम h को 0 से अप्रोच करवा देते हैं, जहाँ पर h है वहाँ पर 0 रख देते हैं, तो कितना बचेगा, -7 डिवाइड बाय यहाँ पर x प्लस 0 -2 और यहाँ पर x -2। ओके, तो ये 0 है, ये तो दोनों x माइनस टू तो सेम है, तो इसको स्क्वेयर में लिख सकता हूँ, -7x -2 का स्क्वेयर। ओके, तो यही हमारा डेरिवेटिव है, 2x प्लस 3x -2 का। ओके, और ये देखिए यही हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू है, 2x प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स -2 का डेरिवेटिव है। ओके, ये जो हमारा डेरिवेटिव है, ये हमारा मतलब एक्स की वैल्यू 2 पर नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे हम, तो ये हमारा नीचे 0 हो जाएगा और 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये एक्स इक्वल 2 पर ये डेरिवेटिव हमारा नॉट डिफाइन है। ओके, इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब हम सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, एक्स प्लस 1/x। ओके, ये देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल गिवन है हमें एक्स प्लस 1/x, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल का हमारा फॉर्मूला क्या है, यही है, एफ डैश एक्स इक्वल लिमिट एच टेन टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। ओके, हमारे पास एफ एक्स तो गिवन है, यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ एक्स प्लस एच की हम वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एच रख देते हैं साथ में, प्लस 1/x प्लस एच। ओके, तो देखिए ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल क्या होगा हमारा, लिमिट एच टेन टू 0। ओके, और एफ एक्स प्लस एच की हमारी क्या वैल्यू है, ये एफ एक्स प्लस एच प्लस 1/x प्लस एच। ओके, माइनस एफ एक्स क्या है हमारा, ये एक्स प्लस 1/x
एक्स ओके, और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पर क्या है एच, तो डिवाइड में हमारे पास एच ओके। तो देखिए अभी हम ये माइनस का साइन है ये दोनों के आगे, क्योंकि हमारी एफ एक्स की वैल्यू ये है, ये एक्स प्लस 1/x, तो ये इस माइनस के साइन के हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये माइनस का हो जाएगा ये एक्स, और ये भी माइनस का हो जाएगा ओके। तो ये माइनस एक्स यहाँ पर ये एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या बच रहा है, अभी लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो यहाँ पर बच रहा है, एच प्लस 1/x प्लस एच यहीं बच रहा है, और यहाँ पर बच रहा है माइनस 1/x ओके। और डिवाइड में हमारे पास क्या है एच, ठीक है। अभी हम इनको देखिए थोड़ा सॉल्व और करेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये सबको। तो यहाँ पर लिमिट एच टेन टू ज़ीरो, मैं पहले एक्स प्लस एच की मल्टीप्लाई एच के साथ करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा एच इंटू एक्स प्लस एच, और यहाँ पर प्लस 1 डिवाइड में आ जाएगा ये एक्स प्लस एच ओके। माइनस क्या है हमारे पास 1/x, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, और प्लस 1 है तो प्लस 1 डिवाइड में यही आएगा ओके। और हमारे पास इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में हमारे पास है एच। अभी हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और डिवाइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी ओके। तो लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो ओके, एच एक्स प्लस एच और प्लस 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, एक्स के साथ, और माइनस फिर ऊपर एक्स प्लस एच की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगी, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच ओके। और ये एच है, इस एच के डिवाइड में मैं 1 ले लेता हूँ, 1 लेऊंगा तो इनकी भी पलट कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रॉस में 1/h आ जाएगा, ये 1 ऊपर आ जाएगा एच नीचे ओके। तो देखिए अभी जो टर्म कैंसिल हो रही है वो कैंसिल करेंगे हम यहाँ से, लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो ओके, यहाँ पर एक्स की अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा एच एक्स, और अंदर एक्स प्लस एच, एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ इनके साथ की है मैंने, तो ये हो गया प्लस यहाँ पर एक्स, और माइनस की मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो माइनस एक्स माइनस एच हो जाएगा ये। और डिवाइड में देखिए, डिवाइड में हमारे पास क्या है एक्स एक्स प्लस एच यही है, और इंटू ये एच है ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ओके। ये हमारा एक्स से, ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का एक्स है, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है हमारा। और देखिए और भी क्या टर्म कैंसिल हो रही है हमारी, और ये माइनस का एच है और यहाँ पर भी एच है, तो एच भी हम कॉमन निकाल लेते हैं, या हम या तो हम एच कॉमन निकालें, या हम इनको दो बार अलग अलग इनके डिवाइड में अलग अलग कर लेते हैं हम, लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो ओके। डिवाइड में हम अलग अलग ही कर लेते हैं, जैसे एच एक्स एक्स प्लस एच बचाए हमारे पास, और क्या है ये माइनस का एच है, तो ये माइनस का एच है, ये इसके डिवाइड में मैं अलग से लिख देता हूँ, एच एक्स एक्स प्लस एच अलग लिख देता हूँ, इसके डिवाइड में ये अलग लिख देता हूँ एच एक्स एक्स प्लस एच ओके। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, मैंने डिवाइड में अलग अलग इसीलिए लिखा है क्योंकि ये तो हमारा ऊपर और नीचे सेम है, तो ये पूरा ही कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर हमारा एच कैंसिल हो रहा है ओके, एच से एच कैंसिल हो रहा है। अभी हम एच को ज़ीरो से अप्रोच करवा देंगे, एच की जगह हम ज़ीरो रख देंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1, और माइनस यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 1/x, एक्स प्लस एच की जगह हम 0 रख देंगे, तो यहाँ पर हमारा ये क्या बच रहा है, यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पर -1/x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स के ओके। तो यही हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है एक्स प्लस 1/x का ओके, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से कर दिया है। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।